हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम, ई लर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अफेक्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट इंटरनल एंटरप्रेन्योरशिप इन द टू पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंटरप्रेन्योर इन डेवलपमेंट। फर्स्ट इंटरनल फैक्टर, सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर। फर्स्ट इंटरनल फैक्टर, इनर मोटिवेशन ऑफ द योर एंटरप्रेन्योरशिप। आप न्यू बिजनेस, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, कंज्यूमर में हैबिट लेना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर उसको डेवलपमेंट करनी होगी। उसके लिए आपको मोटिव होना पड़ेगा। अब आपको उसकी मोटिव की टोटल कंडीशन और पर्सनल मोटिव, पर्सन और इंटरेस्ट ऑफ दी गुड, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट बनानी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। इंटरेस्ट के साथ आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन आप सेल एंड सर्विस बेस्ट बिजनेस, तो फर्स्ट प्रॉफिट नहीं, सेकंड प्रॉफिट। फर्स्ट बेस्ट ऑफ दी बिजनेस सेल एंड सर्विस एंड सेकंड ऑप्शन ऑफ दी प्रॉफिट। यदि आप फर्स्ट ऑफिस प्रॉफिट है तो लॉन्ग ड्यूरेशन आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। पहले आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, इसी आधार पे हम वर्क करते हैं। तो इंटरनल डेवलपमेंट, इनर डेवलपमेंट ऑफ दी योर सिस्टम। नेक्स्ट फर्स्ट है डिजायर टू वर्क इंडिपेंडेंस। आप जो भी वर्क करना चाहते हो उसके लिए आप इंडिविजुअली सोचे और इस थॉट के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा कि हम अपने पूरे बिजनेस का क्या लेना पड़ेगा। आपको टारगेट डिसाइड करनी पड़ेगी। हमेशा बिजनेस का टारगेट दो वर्ग पे होनी चाहिए, एक बिजनेस की हम क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पहले आपको करना ही है। इन द डिजायर टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आपको इसमें सुधार करना ही है, तो फर्स्ट इंप्रूवमेंट आपको क्या चाहिए कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम उसको लोअर कास्ट पर मार्केट में प्राइस देंगे, और लेकिन कास्ट हमारा लोअर होगा, हम रॉ मटेरियल के साथ या प्रोडक्ट की क्वालिटी से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। आप इसके साथ नेक्स्ट आप अपने बिजनेस का सेल एंड सर्विस पर पूरा ध्यान देंगे। आप ये कहेंगे कि हम सेल एंड सर्विस, आप ये बिजनेस को डेवलपमेंट करेंगे क्वार्टरली बनाइए, 3 मंथ क्वार्टरली, अप्रैल मई जून, जून जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप जनवरी फरवरी मार्च, आप जो आपके 3 मंथ का एक एक क्वार्टर आपने बना लिया, 4 क्वार्टर में आपने डिवाइड कर दिया, तो आप एक क्वार्टर जो बनाएंगे बिजनेस का, ये क्वार्टर जो आपका 3 मंथ का क्वार्टर हो या 4 मंथ, आप बिजनेस के आधार पे आप अपना सेल का एक टारगेट बनाइए कि हम 10% हम सेल इंक्रीज करेंगे। यदि आपका सेल 1000 यूनिट एक क्वार्टर में हो तो 10% नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा सेल 100 यूनिट बढ़ेगी, नेक्स्ट क्वार्टर की हमारी सेल ऑफ दी क्रोड क्या होगी, 1100। ये ध्यान रखिए 1100 सेल इंक्रीज होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तब आप रिसर्च करिए, बताइए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा प्रॉब्लम कहां पे है, हम में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम में प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी होगी। ये डिजायर ऑफ द सिस्टम पे टोटल वर्क करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंडिकेट फाइल ऑफ द पॉसिबिलिटी सेवरल फ्यूचर रिस्क, भविष्य के लिए आपको टोटल वर्क करनी है। नेक्स्ट है आपके लिए एंटरप्रेन्योरियल एंबिशन। एंबिशन हमने अभी आपको बताया कि अब आप जब अपने बिजनेस का क्या सिस्टम डिसाइड कर दिए, टारगेट, जब टारगेट आपने डिसाइड कर दिया तो ऑल ऑफ द स्टाफ जो भी वर्क कर रहे हैं सभी सेल्समैन को आप एक निश्चित टारगेट
गुड सेल्स का दे दे, ऑल डिपार्टमेंट का दे देंगे, रीजनल और ब्रांच ऑफिस को दे देंगे। तो सबकी दौड़ एम्बिशन ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए बनी रहेगी, जिससे आप बिजनेस को मैक्सिमम ग्रोथ नए प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। मनी अचीवमेंट हाई इन दी सोसाइटी इन द मोर पीस ऑफ द योर सिस्टम। नेक्स्ट है फोर्सिंग अ कंपेलिंग रिसर्च। सबसे पहले आपको हमेशा मार्केट की कंडीशन इन दी फोर्स ऑफ द कंपेलिंग रीजंस क्या देखना पड़ेगा, मार्केट की टोटल कंडीशन देखनी पड़ेगी, कंज्यूमर की हैबिट देखनी पड़ेगी, कंज्यूमर की इनकम देखनी पड़ेगी, पॉलिटिकल ऑफ दी सिस्टम भी यहाँ इन्वॉल्व होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल स्टेटस, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों की होती है कि एक सरकार चेंज हो जाती है, दूसरी सरकार अपने एजेंडे पे कुछ मूल चीजें, जैसे नेक्स्ट यूपी के ही गवर्नमेंट में आ जाइए कि मायावती गवर्नमेंट के बाद अखिलेश जी में आया, नया इनोवेशन किया, बच्चों में लैपटॉप का वितरण किया, नेक्स्ट उन्होंने टैक्स बांटे, तो इस पर आपको पॉलिटिकल, अब किस प्रोडक्ट पर मेरी पॉलिटिकल सिस्टम से गवर्नमेंट चेंज होगी और क्या डिमांड्स बनेगा उस संबंध में, जैसे एचसीएल ने काफी अपने लैपटॉप्स वगैरह का वितरण किए थे। तो पॉलिटिकल सिस्टम एंटरप्रेन्योरियल आप ध्यान दें, अक्सर आप देखते हैं कि अभी कुछ चुनाव हुआ था तो हम किसी भी स्टेट या किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम अगर जीतेंगे तो हम स्मार्टफोन देंगे, कुछ ने ये कहा कि हम आपको टीवी देंगे। अभी लेटेस्ट चुनाव में आपको मजाक लगता है, ये सब चीजें पार्टी को नहीं करनी चाहिए, लोग ये लोग करते हैं कि हम वॉशिंग मशीन देंगे। अरे आप चुनाव लड़ने आए कि खैरात का सरकार का धन बांट रहे हैं? आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, इंडिया एंटरप्रेन्योर न्यू बिजनेस को कंसेप्ट करिए, आप कोई भी चीजें जो भी चीजें खैरात और फ्री में आप बांटते से आप इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप नहीं होंगे, आपकी कंट्री दिन पर दिन डाउन होती जाएगी। आज इस महामारी में लोगों को समझ में आया, आपको पॉल्यूशन के कंट्रोल करने समय के लिए आप उस पर वर्क करिए, पेड़ लगाइए, तो ये सब चीजें आपको वर्क करनी है, ना कि आप पॉलिटिकल एजेंडे में मानते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में पॉलिटिकल सिस्टम का भी बहुत महत्व रहता है, जिसके आधार पे वर्क करते हैं। इंडिविजुअल ऑफ दी इन दी गुड टेक्निकल अचीवर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड अपॉर्चुनिटी इंटरनल स्पेशल स्टेज पर हम चेंज करते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह कि जिससे हम क्वालिफाइड पर्सन को रखें जो बिजनेस को अफेक्ट कर सके। नेक्स्ट है आपके लिए फैसिलिटिंग ऑफ सपोर्ट ऑफ दी रीजंस, कहां कहां पर आपको फैसिलिटी देनी है। इंडिविजुअल इनकर्स इनटू द न्यू नेचर, नए स्वभाव के साथ आपको करनी है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन ऑफ दी वर्क एक्सपीरियंस इन दी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इन दी इंडिविजुअल, ऑक्यूपेशन ऑफ दी पेशे के आधार पे आपको करनी है, क्योंकि मार्केट में जब भी आप बिजनेस करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप करेंगे, तो एज ऑफ दी स्टेज पर डिपेंड करता है कि वह आपको कोई भी, आप जैसे क्लॉथिंग आइटम में लेके आते हैं तो क्लॉथिंग आइटम में साइज क्या होगी, मेल होगा फीमेल होगी, बच्चों के लिए लाते हैं, एडल्ट के लिए लाते हैं या सीनियर पर्सन के लिए लाते हैं, मेल फीमेल, फीमेल में भी आप आते हैं तो बच्चों के लिए आपके लिए कैसी होगी, फिर नेक्स्ट आपके वुमेन महिलाओं के लिए क्या ड्रेस होगी, इसके संबंध में आपको साइज ऑफ दी स्टेज दिया ध्यान। तो इंटरेस्ट ऑफ दी एज ऑफ दी इफेक्ट, हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाते हैं जहां पॉपुलेशन उस प्रकार की ज्यादा होती है, एज के साथ हम इनकम को भी ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट बनाते समय हम उस प्रोडक्ट जैसे रीबॉक है, एडिडास है, तो ये मैक्सिमम इनकम अपने प्रोडक्ट के इन्होंने प्राइस के साथ समझौता नहीं करते, क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो लेकिन आप ये कहिए कि हर व्यक्ति तक इनके प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर नहीं मानते, तो इस हिसाब से मानते हैं कि हमारा ऑल इंडिया में बिजनेस मात्र पूरे पॉपुलेशन का 5% to 10% उस इनकम के लोग हमारे आइटम को परचेज करेंगे, उस हिसाब से वो अपने आप को बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं और परचेज वगैरह का वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मोरल सपोर्ट। मोरल सपोर्ट आप जानते ही हैं, ह्यूमन नेचर के अंतर्गत आपके मार्केट में फैमिली कंडीशन क्या है, फैमिली मेंबर फ्रेंड रिलेटिव
कि आप ये देखिएगा कि मार्केट, जब भी आप मार्केट भारत की मार्केट का ध्यान देंगे तो ये इसके मार्केट हर 200 किलोमीटर पर इनकी लैंग्वेज बदल जाती है, हर 200 किलोमीटर पे ह्यूमन नेचर की एक हैबिट बदल जाती है। एक ही स्टेट में आपको कई प्रकार के कस्टमर मिलेंगे और उनकी इनकम आप भी सिस्टम बदल जाती है और हैबिट भी बदल जाती है और रहने खाने के ढंग भी बदल जाते हैं। तो प्रोडक्ट उसी हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन करें जहां जिन प्रोडक्ट की डेमो और मोरल कंडीशन हमें देती है। नेक्स्ट है आपके लिए इमिटेटिव। इमिटेटिव आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में क्वालिटी क्वांटिटी सुधार करके न्यू पैकेजिंग आप भी सिस्टम से आप आ सकते हैं, जिस पर हम प्राइस डाउन करके भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन फॉर एवर सिचुएशन, हम एक उस प्रोडक्ट के संबंध में एक ऑप्शन रखते हैं और सक्सेसफुल प्रोडक्ट मार्केट में डेवलपमेंट करते हैं। आज आपने अफेक्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट के इंटरनल फैक्टर देखे, इसके पार्ट टू हम आपको एक्सटर्नल फैक्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। स्टार्टिंग टू विंड, आपने वीडियो आपने पूरी वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।